सब्सक्राइब करें टेक्निकल बाबा जी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन बटन टेक्निकल वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तारिक अख्तर और आप देख रहे हैं टेक्निकल बाबा जी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक HTML प्रोजेक्ट HTML पेजेस को रियल वेब सर्वर पर, ऑनलाइन वेब सर्वर पर अपलोड करके आपको शो करेंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर ने साक्षी कांत, उन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट सेंड किया है। उनका कहना है कि जब वो वेब सर्वर पर अपना HTML प्रोजेक्ट अपलोड कर रहे हैं तो उसमें इमेजेस शो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं उनका प्रोजेक्ट आपको दिखा देना चाहता हूं कि वो प्रोजेक्ट कैसा है। तो ये उनका प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट को जब वो ऑनलाइन सर्वर पर अपलोड कर रहे हैं तो उनका कहना है कि ये इसमें जो 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 इमेजेस उन्होंने यूज किया है वो शो नहीं कर रहा है, सिर्फ पेजेस आ रहे हैं। दोस्तों, ये सेम प्रोजेक्ट को मैं ऑनलाइन सर्वर पर अपलोड करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपलोड करेंगे ताकि आपकी सारी इमेजेस भी शो करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक वेब होस्टिंग सर्वर पर आपका अकाउंट होना जरूरी है। किसी भी वेब होस्टिंग अकाउंट सर्वर पर आपका अकाउंट होना जरूरी है, लाइक गोडैडी पे भी होने से चलेगा। यहाँ पे मैं फ्री वेब होस्टिंग सर्वर का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा वो 000 वेब होस्ट सर्वर पर, मेरा ऑलरेडी वहां पे मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ। वहां पे मेरा एक फ्री अकाउंट है 000 वेब होस्ट सर्वर पर। ये मेरा URL है, ये फ्री वेब होस्टिंग सर्वर पे, जो 000 वेब होस्ट सर्वर पर, उस पर उसका ये URL है। तो यहाँ पे मैं वो HTML प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकता हूँ। तो फाइल मैनेजर, अपलोड नाउ पे क्लिक करना है। So, यहाँ पे देख सकते हैं कोई फाइल नहीं है, सिर्फ एक ही फाइल है हमारे वेब होस्टिंग सर्वर पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक HTML, इसी फोल्डर के अंदर हमें सारे फाइल्स को, जो भी हमने जो क्रिएट किया, जो आपको मैंने लोकल कंप्यूटर पे दिखाया था, वो सारे को अपलोड करना है। यहाँ से आप अपलोड पे क्लिक करके सेलेक्ट करना वो सारे फाइल्स को। तो वो कहाँ पे था, डेस्कटॉप में था और वो जो फोल्डर में है HTML प्रोजेक्ट। तो ये सारे फाइल्स को अपलोड करना, तो कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, देन ओपन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सारा फाइल सेलेक्ट हो गया है। बस हमें कुछ नहीं, इस अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है और थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसा आपका नेट रहेगा उस हिसाब से आपका फाइल अपलोड हो जाएगा सर्वर पे। आपके जितने नेट फास्ट रहेंगे उतनी जल्दी आपके फाइल सर्वर पर अपलोड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा अपलोडिंग चल रहा है। तो दोस्तों, मेरे सारे फाइल्स जो हैं वो सर्वर पर अपलोड हो गए हैं। तो साक्षी कांत, जिन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट सेंड किया था, उन्होंने एक गलती किया था कि उन्होंने अपना फर्स्ट पेज का नाम इंडेक्स नहीं रखा था। अगर वो उन्होंने इंडेक्स रखा होता तो बस URL को टाइप करने से वो पेज शो कर देता। जैसे कि इस URL को ओपन करते हैं तो वो सारा पेज शो कर देता, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने इंडेक्स नहीं दिया अपना फर्स्ट पेज का नाम। तो हमें एक्सप्लिसिटली उस पेज को व्यू करना पड़ेगा जो उनका फर्स्ट पेज है। तो उनका जो फर्स्ट पेज है इसे हम व्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारा इमेजेस भी शो कर रहा है, अभी ये लोड ही ले रहा है ये पेज, लेकिन जो छोटे छोटे इमेजेस है वो सब अपलोड हो गए हैं, वो सब शो करने लगे हैं। देखिए यहाँ पे भी इमेजेस लोड ले रहा है, तो मतलब इमेजेस भी सारे काम कर रहे हैं। तो कुछ नहीं दोस्तों, यही तरीका है, बहुत आसान तरीका। इसी तरीके से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को ऑनलाइन सर्वर पर अपलोड करते हैं, बस सारे फाइल को सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें saksikant/saksikant.html को भी यूज करना पड़ रहा है, तभी जाके ये पेज लोड ले रहा है। बाय डिफॉल्ट देखिए, अगर हम सिर्फ इस पेज को रन करेंगे तो वो सारे फाइल का नाम दिखा देगा सर्वर पर, जो भी हमने अपलोड किया है। तो इसीलिए फर्स्ट पेज का नाम इंडेक्स होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग इंडेक्स होता है फर्स्ट पेज का नाम, तो बस URL टाइप करने से बाय डिफॉल्ट इंडेक्स पेज लोड ले लेता है। तो ये जो उनका साइट है, ये देखिए, ये कंप्लीटली पूरा शो कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा, सारे इमेजेस लोड ले रहे हैं। अगर आपका नेट फास्ट है तो और जल्दी ही आपका लोड ले लेगा। ठीक है, क्लिक हियर, यहां पे क्लिक करके चलते हैं नेक्स्ट पेज में उनका।
ये देखिए उनका नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे भी इमेजेस काम कर रहे हैं, धीरे धीरे सारे इमेजेस लोड ले रहे हैं, क्योंकि मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो इसलिए इमेजेस थोड़े स्लो लोड हो रहे हैं, बट सारे इमेजेस लोड हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। इमेजेस का साइज भी आपका बेस्ट प्रैक्टिस होगा कि आप सारे इमेजेस को कंप्रेस कर लीजिए। इमेजेस का साइज अगर मोर देन 1 MB होगा तो ऑब्वियसली लोड पेज का लोडिंग स्लो हो जाएगा। साक्षी कान ने जो मुझे प्रोजेक्ट सेंड किया उसके बहुत सारे इमेजेस जो हैं जो 1 MB के हैं, उन्होंने फाइल को कंप्रेस नहीं किया है तो इसीलिए लोडिंग थोड़ा स्लो हो रहा है, और मेरा नेट भी स्लो है इसी वजह से थोड़ा स्लो कर रहा है, बट देखिए कुछ कुछ इमेजेस लोड हो गए। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपना HTML प्रोजेक्ट को सर्वर पर अपलोड करके होस्ट कर सकते हैं। आप ये लिंक को ट्राई करके चेक भी कर सकते हैं, ये लिंक काम करेगा, आप पेजेस लोड होंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो उम्मीद है आप कॉन्सेप्ट समझ ही गए होंगे कि किस तरह से HTML प्रोजेक्ट को रियल सर्वर पर अपलोड करते हैं।